अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पंचायतों की जांच में अधिकारियों की अनदेखी, शिकायत के बावजूद दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई। बड़वाहा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार पर जहां जनपद पंचायत बड़वाहा के जिम्मेदारों ने अनदेखी की है, वहीं इन मामलों की शिकायत के बाद भी जिला सीईओ कार्रवाई करने में अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं। खरगोन जिले के बड़वा ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायत में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किए गए, जिसमें रतनपुर में होने वाले बाउंड्री वाल निर्माण में 8 इंच की बाउंड्री वाल को 4 इंच निर्माण किया। हमीरपुरा के ग्राम अमलाथा में बिना अनुमति के मनरेगा के तहत करीब 300 मीटर सड़क निर्माण, मुरल्ला पंचायत में बिना संचालित स्कूल में बाउंड्री वाल निर्माण और नावगढ़ खेड़ी पंचायत के अंतर्गत खेत सड़क में गुणवत्ताहीन कार्यों में उपयंत्री और सचिव सरपंच की मिलीभगत से शासन की राशि को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जबकि इस मामले में 6 दिसंबर 2021 को शिकायत होने के बावजूद अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में बड़वाहा जनपद पंचायत के एपीओ और अन्य अधिकारियों द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन भी बनाया था, जो जिला सीईओ दिव्यांग को भेजा गया था। इसके बावजूद 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला सीईओ द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि इस मामले में जिला सीईओ द्वारा दोषियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है, लेकिन इस कार्रवाई के अभाव में आज भी कई पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्यों में अनियमितता हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला अधिकारी इस भ्रष्टाचार के मामले में कब और कितने दोषियों पर कार्रवाई करते हैं, या अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में यह कार्रवाई यथावत रहेगी। शिकायतकर्ता विकास जी द्वारा जो बताया गया था उसके संबंध में हमने एपीओ एई के माध्यम से रतनपुरा, हमीरपुरा, मुरल्ला और नवगढ़ घीड़ी की जांच करा ली है। जांच के बाद हमने प्रतिवेदन जिला पंचायत को भेज दिया है। जिला पंचायत में के इस जांच के आधार पर जिला पंचायत सीओ साहब द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट बड़वाहा।